नमस्कार, मैं ममता जमीरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हुए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। बुलढाणा जिले में असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर फहरा दिया भगवा झंडा और धमकी भरी चिट्ठी भी छोड़ी, अज्ञात पर अपराध दर्ज। महाराष्ट्र के बुलढाणा तहसील अंतर्गत के ग्राम ढाल सावगी के करीब 3000 से अधिक की जनसंख्या है, जिसमें से 50% आबादी मुस्लिम समाज की है। इस गांव में दो मस्जिद भी है। 17 अगस्त को सुबह फजर की नमाज होने के बाद जमा मस्जिद के इमाम अमीर शाह बच्चों को मदरसा पढ़ाने के लिए मस्जिद की ऊपरी हिस्से में गए, जहां उन्हें बोर्ड पर एक चिट्ठी नजर आई जिस पर आपत्तिजनक एवं धमकी लिखी हुई थी। इस दौरान बाहर मस्जिद पर किसी को भगवा झंडा लगा हुआ नजर आने पर उसने इमाम साहब को ये बात बताई। कुछ ही देर में अनेक ग्राम स्थल जमा हो गए थे। सबने शांति बनाए रखते हुए घटना की जानकारी धाड़ पुलिस थाने को दी। पश्चात थानेदार संग्राम पाटिल पुलिस बल के साथ गाँव में पहुंचे और मस्जिद पर लगा भगवा झंडा निकालकर धमकी भरी चिट्ठी अपने कब्जे में लेते हुए घटना का पछतावा किया। धाड़ पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम ढाल सावंगी या ठिकाणी जी जामा मस्जिद आहे, त्या जामा मस्जिदच्या बाजूला जामा मस्जिद ट्रस्ट यांची इमारत बांधकाम चालू आहे। त्या इमारतीवर एका बांधकाम पोलवर अज्ञात आरोपीने भगवा झेंडा त्या ठिकाणी फडकावलेला आहे आणि एक चिठ्ठी त्या ठिकाणी आढळलेली आहे। त्या संदर्भात पोलीस स्टेशनने IPC 153 अ आणि 295 अ या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि या गुन्ह्याचा तपास इथले ठाणेदार APR संग्राम पाटील हे करत आहेत। दाड पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मस्जिद के इमाम अमीर शाह की शिकायत पर समाज में विषमता फैलाने, धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की अधिक जांच थानेदार संग्राम पाटिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा से शेख इमरान की रिपोर्ट। अटल जी के पत्र से चिखली के मती मियां को तत्काल मिला था पाकिस्तान जाने का वीजा। भारत रत्न व पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की मौत से पूरा देश शोकाकुल है। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी प्रशंसा विरोधी दल के अलावा अन्य समाज सहित मुस्लिम समाज भी करता है। ऐसा ही कुछ बुलढाणा जिले के एक मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ता के साथ हुआ, जिसे अटल जी के एक पत्र से तत्काल पाकिस्तान जाने का वीजा मिल गया। बुलढाणा जिले के चिखली शहर में अटल बिहारी वाजपेयी कई वर्ष पहले चुनावी प्रचार के लिए आए थे। उनसे मिलने सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा कार्यकर्ताओं में एक मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता मतिन मियां भी थे। जब वाजपेयी जी को पता चला कि एक मुस्लिम युवक जनता पार्टी के लिए काम करता है, तो उन्होंने मतिन मियां को अपने करीब बुलाकर बाजू में बिठाते हुए सम्मान दिए और कोई काम पड़ने पर याद करने का अभिवचन दिया। वीजा के लिए गया तो मेरी माँ को वीजा दे दिए पाकिस्तान वालों ने, मगर मुझे वीजा नहीं दिए। इसलिए मैं फिर आपके बंगले पर रिक्वेस्ट करने गया और वहाँ आपने मेरे को ऐसे देखे पहली मरतबा, तो ये बोले कि जहाँ चिक्कल ज़्यादा होता है वो उसको चिकली कहते हैं, आप वहाँ कैमरा हाउस साहब और आपके लिए आपके पास आ गए। तो बोले क्या है, तुमने ऐसा ऐसा माँ का वीज़ा दिए उन्होंने और मेरा वीज़ा नहीं दिए। तो ठीक है, बोले मैं पत्र देता हूँ, पत्र पे आपको मिल जाएंगे। तो पत्र लेकर मैं पाकिस्तान सिफारत खाने में गया, तो वहाँ पर जाके एम्बेसी में जाकर क्या है, वहाँ पर जाके दिया मैंने, तो ऊपर से नीचे तक देखता था कि ये अटल बिहारी का साथी और ये मुसलमान, ये किस तरीके का रिश्ता है। तो ये हमारे लीडर है पुराने और हम इनकी पार्टी में रहते हैं करके, तो उन्होंने एक मिनट में वीज़ा दिए। ऐसे मेरे को तीन मरतबा वीज़े का काम पड़ा, तीन मरतबा आपने मेरे को दिए और मेरे से इस तरीके से मिले कि जैसा मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता, जबकि मैं वार्ड लेवल का भी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा हूँ, मगर मुझे जो मोहब्बत वाजपेयी साहब से मिली है वो शायद ही मिले अब। और उनके ये ऐसा गुम हो जाने की बात, ऐसे में उनके देश दुनिया छोड़ देने की बात जब मालूम पड़ी तो हमको बहुत अफसोस हुआ और मेरी आंखें नम हैं। और जिस वक्त भी जिक्र निकलेगा वाजपेयी साहब का मेरे साथ, तो उसमें मेरी मिठास ही कायम रहेगी और मोहब्बत ही कायम रहेगी, मैं उनको अपनी जीते जी भुला नहीं सकूँगा। कुछ वर्ष बाद मदन मियां और उनकी माताजी अपने परिजनों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने सरकार से वीज़ा मांगा, किंतु मदन मियां की माताजी को पाकिस्तान जाने का वीज़ा मिल गया पर उन्हें वीज़ा नहीं मिला। तब मदन मियां अटल जी से दिल्ली में मिले तो उन्हें देखकर अटल जी ने पहचान लिया। मदन मियां ने अपनी समस्या उनके पास रखी, तब अटल जी ने एक लेटर देते हुए उन्हें एम्बेसी भेजा। एम्बेसी में वाजपेयी जी का लेटर देखते ही मदन मियां को पाकिस्तान जाने का वीज़ा फौरन मिल गया। मतिन मियां ने बताया कि एक साधारण कार्यकर्ता के साथ भी अटल जी सम्मान से पेश आते थे। महाराष्ट्र के बुलढाणा से शेख इमरान की रिपोर्ट।
कोरिया जिले के वनपरी क्षेत्र में पौधारोपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरिया जिले के वन परिक्षेत्र केलहारी में पौधारोपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारियों को पौधारोपण का तरीका सिखाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ वन विभाग के कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। वन विभाग के अधिकारियों ने किसानों के आय दुगनी करने का उद्देश्य से यूकेलिप्ट और फलदार वृक्ष लगाने की सलाह दी। इसके साथ साथ किसानों को पौधे में होने वाली बीमारियां और उनके रख रखाव की जानकारी भी दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट। माउंटआबू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 7 युवक को पकड़ा, 101,000 की राशि भी जब्त की। जहां इन दिनों सिरोही पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जिले में होने वाली आपराधिक गतिविधियों और जुए सट्टेबाजी पर लगाम करती हुई नजर आ रही है, वहीं इन्हें आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव भी गंभीर है और आए दिन कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश की सबसे ऊंची पर्यटन नगरी माउंट आबू में शनिवार रात में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शहर के सेंट मेरी रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें गुजरात से आए 7 युवक सार्वजनिक स्थल पर बैठकर जुआ खेल रहे थे, जिस पर माउंट आबू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपी को पकड़ लिया। सूचना मिली कि सेंट मेरी रोड पर कृष्णा हॉस्टल के थोड़ा आगे 5-7 जने बैठे ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं, जिस पर मैं जाप्ता के मैं नारायण नाम ऐसा ही जाप्ता को लेकर पहुंचा और 5-7 आदमी गोल दायरे में बैठे ताश के पत्तों से जुआ खेलते मिले, जिनको दस्तियाब कर और जुआ राशि करीब 101,030 रुपये भ्रमण किए, ताश के पत्ते भ्रमण किए और 7 लोगों को मौके पर से गिरफ्तार किया। वही दाव पर लगी हुई 101,030 रुपए की राशि भी बरामद की है। राजस्थान की सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट। पिछले वर्ष शिवगंज क्षेत्र में भारी बारिश होने से जवाई नदी में बनी केरल से लखमावा को जोड़ने वाली रिपोर्ट टूटने के बाद अभी तक नहीं हुआ निर्माण कार्य। करीब 10 वर्ष पूर्व नाबार्ड योजना के तहत बनी केराल से लखमावा को जोड़ने वाली रपट गत वर्ष 25 जुलाई को जवाई नदी पर उफान पर चलने के कारण आधे से अधिक पानी में बह गई थी, जिसका निर्माण कार्य 1 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं हो रहा है, जिससे करीब 4 गांव हो रहे हैं प्रभावित और वाहन चालक को व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार मुख्यालय व अस्पताल और सुमेरपुर जाने के लिए आम रपट मार्ग होने के कारण और जवाई नदी और सुखड़ी नदी दोनों नदियों के बहाव होने के कारण ग्रामीण पुलिया की मांग कर रहे हैं। ये रपट कितने टाइम से टूटी हुई पड़ी है? ये तो साल 1 साल से टूटी हुई पड़ी है, न तो यहाँ सुविधा नहीं है, होती है बनती है और ये खड्डे पड़े हैं जो सब लोग जाते हैं आते हैं, मतलब कैसे जाते हैं और आने जाने की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। बारिश में जब भी जवाई नदी चलती है तभी हम लोग यहाँ पे कोई भी बीमार हुए तो भी हम लोग बिना नदी है हमें जाने मुश्किल होती है। अच्छा, लोग बीमार होते हैं तो कहाँ से जा रहे? इनके अलावा बहुत गाँव का रास्ता भी नहीं है दूसरा, ये टापू हमारा बीच में आया, नदी तो आएगी तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और हम लोग ये पुल की मांग किए तो अभी तक ये पुल की मांग भी पूरी नहीं हो रही है, अभी तक कोई ऐसा कोई यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे। सरकार कब ध्यान देगी या कब करेंगे वो कोई पता नहीं है अभी तक। रात को कोई भी डिलीवरी केस वगैरह होता है तो यहाँ पे कोई लोग ऐसा कोई सुनवाई वगैरह भी नहीं करती, और अभी नॉर्मल बारिश में भी हम लोग जाने की इतनी प्रॉब्लम होती है, तो अगर ये बारिश ज्यादा बारिश में नदी चलती है तभी हम लोगों का गांव के ये साइड के ये साइड रह जाते हैं और ये साइड के ये साइड रह जाते हैं, इसमें ऐसा हो गया है और बहुत ही दिक्कत होती है ये नदी के हिसाब से। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या, यहाँ नाला बने, नाला डाले और थोड़ी पुलिया बने तो और भी ठीक हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही टूटेगी ये तो वापस भी टूट जाएगी। हम लोग जन समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में रोवाड़ा व लखमावा के रपट निर्माण कार्य के करीब 92 लाख राशि की स्वीकृति जारी की है, इसलिए जल्द ही रपट का निर्माण कार्य आरम्भ होने की उम्मीद है। राजस्थान के शिवगंज से जितेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा। अप्पा अप्पा ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अब्बा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अब्बा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों हो गई है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जालौर में कृष्णराम गर्ग एवं भीराराम विश्नोई का तबादला होने पर भावभीनी विदाई दी। जालौर जिले के भीरमाल उखंड में ग्राम पंचायत निम्बावास के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरवाला में करीब 6 वर्ष से कार्यरत अध्यापक कृष्ण राम गर्ग एवं 2 माह से कार्यरत भोरा राम विश्नोई का तबादला अनियंत्रित विद्यालय में होने से राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरवाला में इनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में इनके कार्यों की सराहना करते हुए वरिष्ठ अध्यापक मदन लाल घारू ने बताया कि गर्ग ने लंबे समय से विद्यालय में रहकर छात्र छात्राओं के साथ स्वच्छता एवं अध्ययन और अध्यापन के प्रति जागरूकता प्रदान की एवं विद्यालयों के अच्छे परिणाम देने में अहम भूमिका अदा की। साथ ही भीराराम विश्नोई के विद्यालय में कम समय में विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति से अध्यापन करवाने के साथ साथ खेल कूद में रुचि एवं अन्य गतिविधियों में छात्र छात्राओं को आगे लाने में सराहनीय भूमिका अदा की है। राजस्थान के जालौर से ओम प्रकाश खोरवाल की रिपोर्ट। इलाहाबाद जिले भर की सभी थानों पर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक। इलाहाबाद जिले भर में सभी थानों पर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक। बैठक सभी क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों सहित ग्रामीणों से ये अपील की गई कि आने वाले रक्षाबंधन और बकरी ईद को सभी लोग सौहार्द पूर्वक से मनाएं। इस मौके पर करछना थाने पर पहुंचे एसडीएम करछना कुलदेव सिंह व सीओ करछना रत्ने सिंह ने प्रधानों के साथ बैठक की। बैठक में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ज्ञान सिंह पटेल ने सभी प्रधानों सहित ग्रामीणों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। सर आपका परिचय? मैं एसडीएम अच्छा। रक्षाबंधन का जन्माष्टमी का उसको शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न किया जाए। आपका परिचय सर? विजयराज सिंह, ब्लॉक प्रमुख करछना। जो है अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उनको साथ में लेकर के जनता की सेवा में करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जनता का विकास हो और प्रधानों के साथ कोई अन्याय न होने पाए, यही हम लोगों का मूल। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय पंचायत राज उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभाकरांत मिश्रा को मंडल उपाध्यक्ष बनाए जाने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश सचिव सत्येंद्र त्रिपाठी ने इसकी घोषणा की। वही अखिल भारतीय पंचायत परिषद के इस निर्णय की लोगों ने सराहना की। इस मौके पर भगवान प्रसाद मिश्र, विजय कुमार मिश्र, जय कृष्ण पांडे, परशुराम पांडे, बबलू सोनकर, कन्हैया लाल, हरिश्चंद्र, रमेश मौर्य सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। इलाहाबाद में 30 अगस्त को ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी हो गई थी, बाद में ड्राइवर और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया गया। गुरपुर थाना क्षेत्र के मनकावार गांव के राम मुरत पटेल के ट्रैक्टर की ट्रॉली घर के पास बगीचे में खड़ी थी, जिसे अज्ञात चोर 3 अगस्त की रात ट्रॉली उठा ले गए, जिसकी सूचना गुरपुर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ट्रॉली ढूंढने में नाकाम रही, जबकि पीड़ित यहाँ वहाँ हाथ पाँव मारता रहा, जिससे कि पीड़िता की मेहनत उस समय रंग लाई जब पीड़ित राम मुरत रीवा रोड सेमरा गांव के पटेल ढाबा पर बैठे थे। उसी समय रोड से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था। ढाबे पर बैठे राम मुरत की नजर ट्रैक्टर ट्रॉली पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल ट्रैक्टर का पीछा किया और जसरा पहुंचते ट्रैक्टर रोक लिया और ट्रॉली में लिखे अपने मोबाइल नंबर से ट्रॉली को पहचान लिया। चाबी लीजिए, तो लोग साइड लगा के रोके, ये ले गए चाय पिलाने के लिए, तो हम लोग आए इसको देखे तो सही हमारी ट्रॉली मिली और गुरपुर पुलिस को सूचना देते हुए ट्रैक्टर पटेल ढाबे ले आए। ट्रैक्टर ड्राइवर से बात करने की कोशिश की तो पहले तो वो आनाकानी करने लगा, बाद में उसे लगा कि ढाबे पर मौजूद लोगों की भीड़ जब मारपीट पर उतारू हो गई। थोड़ी देर बाद ही गुरुपुर थाना के एसआई अशोक कुमार के साथ गोनिया चौकी इंचार्ज केशव के साथ कई और सिपाही ने ढाबे पर पहुंचकर ड्राइवर और ट्रैक्टर ट्रॉली अपने साथ थाने ले गए।
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद से विनय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संभा में दिन दहाड़े चार नकाबपोश बदमाशों ने एक किराना व्यापारी को गन पॉइंट पर मारपीट कर गले में रखे 2,10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो अब दिन दहाड़े ही घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सदर कोतवाली इलाके का है, जहां चार नकाबपोश बदमाश एक किराना व्यापारी के गोदाम पर पहुंचे और चीनी का दाम पूछने के बहाने गोदाम में घुस गए, जिसके बाद गोदाम मालिक सहित सभी लोगों को बदमाशों ने गन पॉइंट पर ले लिया और विरोध करने पर सभी की पिटाई के बाद सभी बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2,10,000 रुपए लेकर सभी को गोदाम में बंद करके मौके से फरार हो गए। बगल में ही एक रात की मस्जिद है और उसके ठीक पास में गोदाम है मनीष जी का, ये परचून की दुकान है इनकी। तो इनके जानकारी दी कि चार आदमी जो सशस्त्र थे आपके ग्राहक बनकर के आपके दुकान में आए और बाद में इनको आतंकित करके इनसे 3-4 मोबाइल और कुछ गले में से नकदी ले गए हैं। तहरीर प्राप्त हो रही, एग्जैक्टली जो नकदी और सामान बताएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े हुई लूट से पुलिस प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। सीतापुर में दो परिवार की विवाद पर एक परिवार के घर में पुलिस ने हमला कर तोड़फोड़ किया। आपसी विवाद के चलते यादव और गौतम परिवार में कुछ खेती का विवाद था, जो कि आपस में दोनों परिवार ने मिलकर दिन में सुलह कर ली, लेकिन रात 12 बजे मछरेटा पुलिस बल सिंधिया गांव पहुंचकर शिवचंदन, बुद्धा चंद्रपाल, बुद्धा गोविंद, शंभू चुटकू और जरा खनके के घर के ऊपर हमला किया और इस तरीके से दरवाजे तक तोड़ दिए कि पुलिस और उनके साथ 4-5 और भी जो कि सादे कपड़ों में थे, उन लोगों ने इस परिवार की महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया, चूल्हे को तोड़फोड़ की और मारपिटाई की। पूरे परिवार में रात 12 बजे हड़कंप मच गया। गांव वालों ने समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। जानकारी हुई कि पुलिस वालों ने इन सभी परिवारों में हड़कंप मचाया, जो दिन में यादव परिवार से कुछ विवाद हुआ था। अच्छा, आप बरसंधिया में रहती हो? हाँ। अच्छा, आपको किसने मारा है, क्या किया? सब साहेब घर में घुस गए रात कहीं। हाँ, कहीं बोला लड़का ने लड़का साहेब। अच्छा अच्छा अच्छा, हम साहेब कहां थे लगे बोला। अच्छा, पुलिस वाले घर में घुस गए। हाँ। अच्छा, पुलिस मथरेटा की थी? हाँ। अच्छा, मारा भी आपको? हाँ। अच्छा, मारा भी और सारे बर्तन रहता सब अकेले अकेले फोड़ दिए। हाँ। दरवाजे भी तोड़ दिए। हाँ। मथरेटा की पुलिस? अच्छा, पुलिस भी दारू पिया थी? सब दारू पी। क्या नाम बेटी आपका? विमला। अच्छा, विमला देवी। पुलिस दारू पी के आई थी? थे। अच्छा, गुंडे भी थे? सारे पुलिस नहीं थे। अच्छा, आधे पुलिस सब नशे में धुत थे? सब नशे में थे। ये मथेटा की पुलिस आई थी? अब देखना यह है कि योगी सरकार में अगर छोटे छोटे विवादों में पुलिस इस तरीके से हथकंडे अपनाती है तो आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से आदमी सुरक्षित रहेगा। अगर कोई विवाद आपस में हुआ है तो पुलिस को पता होना चाहिए, इस तरीके से वीडियो में बयान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। मुमताज ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंटरव्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। कोटा जमीन को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश मिलती है जरूर। अगर आपके इलाके में कोई घटना घटी थी या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialiveNewsChannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialiveNewsChannel.com पर। नमस्कार।